ऑर्गेनाइजेशन अलाइड ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर की है, उसके लिए ये अपने 71 ईयर होने के बावजूद साइकिल पे कश्मीर से स्टार्ट होके ये कन्याकुमारी तक जाएंगे और मैसेज हर जगह यही रहेगा कि नशा मुक्त भारत और जो हमारा वातावरण जिसको हम एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं उसके लिए ये अपना साइकिल और पैडल करेंगे पूरा इंडिया अक्रॉस। तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज जितने भी हमारे अलाइड ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो हमारे रहमत आलमीन फाउंडेशन है जिसके चेयरमैन शेख फिरदौस अली साहब जो हमारे साथ आज है नहीं किसी वजह से, उनकी सारी टीम आई है, सईद एजाज काशानी साहब है और मैं डॉक्टर तौसीफ जो यहाँ पे अलाइड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं एनजीओज को रिप्रेजेंट करता हूँ, हमारे लिए और हमारे पूरे स्टेट के लिए या यूटी के लिए एक बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि रघुवीर जी जैसे बंदे की एज का कोई केयर ना करते हुए और उन सारे लोगों के लिए जो कश्मीर में रहते हैं या अक्रॉस पूरे इंडिया रहते हैं उनके लिए एक मैसेज है कि एज इज जस्ट अ नंबर, आप एज पे नहीं जाइए, इन्होंने ये प्रूव करके दिया है, इन्होंने इससे पहले बहुत सारे फुल मैराथन साइकिल्स अक्रॉस द इंडिया इन्होंने सब जगह इसमें पार्टिसिपेट किया है और यही मैसेज इनका रहेगा कि नशा मुक्त भारत और हमारे साथ जो वातावरण पे हम काम कर रहे हैं सारे एनवायरमेंटलिस्ट हम सब लोगों की तरफ से हम इनको वेलकम करते हैं और हम इनको ऑल द बेस्ट भी बोलना चाहेंगे, कश्मीर से इनको ऑल द बेस्ट भी बोलना चाहेंगे और हमारा साथ इनके साथ रहेगा जब भी ये कभी कश्मीर आएंगे आफ्टर ये कंप्लीट साइकिल करेंगे उसके बाद अब फिर से इनको फेलिसिटेट करेंगे। हम सब लोगों की तरफ से आप सब लोगों की तरफ से जितने भी कश्मीर में लोग रहते हैं जितने भी हमारे यहाँ पे फौज के भाई हैं जो हमारे लिए काम दिन रात करते हैं खड़ा रहते हैं उन सब की तरफ से हम खुशामदीद वेलकम करते हैं रघुवीर जी को और उनको ऑल द बेस्ट कहते हैं कि वो आज अपना मिशन कश्मीर जो हमारे पीछे घंटाघर तारीखी घंटाघर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और कन्याकुमारी में इसको एंड करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा एजाज साहब को कि वो इनको माला डालें और एक शॉल भी इनको रहमत लिल आलमीन फाउंडेशन की तरफ से एक प्रेजेंटेशन है और एक शॉल भी इनको प्रेजेंट करें। मैं यहाँ पे आए हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे बुजुर्ग दोस्त हमारे राजस्थान से श्री रघुवीर फोर्ट जी यहाँ पे आए हैं क्योंकि इनका एक मिशन है 71 इनकी एज है और इनका मिशन है कि जो नशा मुक्त भारत है क्योंकि हमारा भारत महान है और इस भारत में आपने देखा कि जो नशा मुक्त भारत अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जिस पर हमेशा बात करते रहते हैं तो उस पर जो है हमारे जो रघुवीर फौजी साहब हैं उनका एक मिशन है कि इस साइकिल पर जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे। तो हम इनके सम्मान के लिए यहाँ पे आए क्योंकि आज ये यहीं से जो है जा रहे हैं इस मिशन पर ताकि देश में जो है जो ड्रग्स के खिलाफ जो है इस वक्त सब जो है मिलजुल कर हम जो है मंशियात को ड्रग्स को अपने देश से बाहर निकालें उसके लिए हम यहाँ पे इनके सम्मान के लिए आए और इनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी प्रार्थना है हमारी दुआ है कि ये वहाँ जल्द से जल्द पहुँचे बड़ी सेहत सलामत से पहुँचे अच्छी तरीके से पहुँचे तो ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है और हमारे बाकी जो यहाँ कश्मीर के बुजुर्ग भी है उनके लिए भी एक सीख है इसमें कि आज भी जो हमारा जज्बा है इस कौम के लिए जज्बा है देश के लिए जज्बा है और ताकि जो है हम नशा जो मुक्त भारत जो है उस पर हम काम कर सकें और कश्मीर जो है यहाँ पर भी जो है ड्रग फ्री कश्मीर हो सके। शुक्रिया। जय हिंद।